हमारे पास 60 लीटर वाला जूस प्लांट भी है, 100 लीटर वाला, 200 लीटर वाला, 500 लीटर, 1000 लीटर और 5000 लीटर तक के जूस प्लांट मिल जाएंगे। जैसे ही ये जूस यहाँ से तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद हम इनको बोतलों में भरेंगे, उसके बाद इनके ऊपर लेबल लगाएंगे, ढक्कन कवर करेंगे, फैट बनाएंगे और ये आपको दिखाएंगे कि मार्केट में कैसे सेल आउट करते हैं। पहले दिन बेचण गए किन्ने दे बेचे? पहले दिन माशाल्लाह मैं सर कोई 7000 रुपए का माल बेचा। रिजक अच्छे है, सही दसना आज दी की सुपते आ गए? आज सर 6 पैट देने ने बना के जा रहे हैं। ए किन्ने ऑर्डर देता है? ए सर कामरान स्टोर है गया उन्होंने। आप ही? आप ही। काम किदा दा है? काम माशाल्लाह जबरदस्त, मजा आ रहा है जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला, आज बिजनेस टॉक्स मुल्तान सेंटर पे मौजूद हूं। यहाँ पे अभी जूस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगे हैं। अभी जो जूस मार्केट के अंदर हाफ लीटर वाला 60 रुपये में, 70 रुपये में, 80 रुपये तक फरोख्त होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये में तैयार हो जाता है। इसका बनाने का तरीका, फार्मूला, रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मुनाफे की तफसील, तमाम तर चीज़ें इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जी एक डबल जैकेट जूस प्लांट है। इस तरह से 100 लीटर इस प्लांट की कैपेसिटी है। अंदर वाला टैंक इसका फूड ग्रेड स्टील का है जी, SS304। और ये जो इसका बाहर वाला टैंक है वो ये भी स्टील है, लेकिन ये 201 है, यानी कि ये फूड ग्रेड स्टील नहीं है। अंदर वाला इसका जो टैंक है ये फूड ग्रेड स्टील है। इन दोनों टैंक के दरमियान गैप रखा गया है, यहाँ से पानी को हमने इसके अंदर भर दिया है। अब इसको स्टीम की मदद से हीट मिलेगी। नीचे से बर्नर को इस तरह से ऑन कर दिया गया है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर खेप वाला पानी बॉयल हो जाएगा। जब इस टैंक वाला पानी बॉयल हो जाएगा, बॉयल होके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टीम ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि भाप इधर से निकलना शुरू हो जाएगी। अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले हमने इसको ऑन कर दिया जी। जैसे ही इसको ऑन किया, ऑन करते ही यहाँ से पानी की सर्कुलेशन शुरू हो गई है। अब इसके अंदर पहले चीनी डालेंगे जी, 1 किलो चीनी इसके अंदर डालने लगी है जी। डालेंगे पहले इसके अंदर कितने लीटर पानी लिया जी? 15 लीटर। 15 लीटर इसके अंदर पानी डाला है जी। 1 किलो चीनी इसके अंदर डाल दी गई है। जैसे ही ये चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी, ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं बिजनेस टॉक्स मुल्तान सेंटर पे। अभी जूस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे जी? 1 किलो मैंगो पल्प इसके अंदर डालने लगे हैं। डालें जी, ये इस तरह से 1 किलो मैंगो पल्प इसके अंदर डाल रहे हैं। डालें डालें, डाले डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको करके डालेंगे ताकि साथ साथ हल होता जाए। 1 किलो इसके अंदर ये मैंगो फल किस तरह से डाल दिया गया जी। इस तरह से इसकी अभी सर्कुलेशन जारी है। बर्नर को ऑन किया हुआ है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला जाएगा, बर्नर को हम बंद कर देंगे। उसके बाद इसको बोतलों के अंदर भरेंगे, बोतल लेके आएंगे। हमारे पास 60 लीटर वाला जूस प्लांट भी है, 100 लीटर वाला, 200 लीटर वाला, 500 लीटर, 1000 लीटर और 5000 लीटर तक के जूस प्लांट मिल जाएंगे। जैसे ही ये जूस यहाँ से तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद हम इनको बोतलों में भरेंगे, उसके बाद इनके ऊपर लेबल लगाएंगे,
नकल कवर करेंगे, पेट बनाएंगे और ये आपको दिखाएंगे कि मार्केट में कैसे सेल आउट करते हैं। जब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री पे चला जाएगा, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये तमाम के तमाम लोग अभी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी क्योंकि टाइम कम है, जैसे इसका टेम्परेचर 90 डिग्री पे चला जाएगा उसके बाद हम इसको बर्नर को बंद करेंगे। अभी इसको फिलिंग करेंगे। इस तरह से इनका पेट बनाएंगे। एक पेट के अंदर 6 बोतलें होती हैं। जैसे ही ये 6 बोतलें पूरी हो जाएंगी, हीट गन की मदद से इस पेट को श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने के बाद मार्केट में सप्लाई के लिए बिल्कुल ये पेट तैयार है जी। अभी इसको श्रिंक करने लगे हैं जी। कोशिश ये करेंगे इस तरह से ये ब्रांड नेम है ये बाहर की तरफ आए, ताकि दिखेगा तो बिकेगा, आपका जो ब्रांड नेम है वो बाहर की तरफ होना चाहिए जी। करें जी, श्रिंक करें इसको। जूस बनाने का तरीका मुकम्मल तौर पे आपने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई जूस की फैक्ट्री लगाना चाहे तो इसके लिए कुल कितनी लागत होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये कि इस कारोबार में कितना मुनाफा है। तो पहले हम बात करेंगे कि इस कारोबार में कितना मुनाफा है, उसके बाद फिर जूस की फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसके ऊपर कितनी लागत आएगी। खाली बोतल 1 लीटर वाले 21 रुपए की मिलेगी। जिस तरह से ये खाली बोतल है, ये मुख्तलिफ क्वालिटी में मुख्तलिफ डिजाइन में होती है, ये मिक्स दाने में है, यानी कि प्लास्टिक दाने की भी काफी इकसाम होती है। 21 रुपए की ये इस तरह से खाली बोतल मिलेगी, ढक्कन के समेत, ढक्कन के ऊपर एक्सपायरी डेट प्रिंटेड होगी, यानी कि ढक्कन समेत खाली बोतल 21 रुपए की आपको आज के रेट के मुताबिक मिलेगी। उसके बाद पल्प, चीनी, पानी, यानी कि तीनों चीजें 1 लीटर, यानी कि जो इस बोतल के अंदर 1 लीटर हमने लिक्विड फिल किया है, इस 1 लीटर लिक्विड यानी कि 1 लीटर 24 रुपए हमने निकाली है। वो किस तरह से, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इस टाइम पल्प की कीमत 1200 रुपए से 1300 रुपए के दरमियान है, यानी कि अगर 1300 रुपए का पल्प लगाए, उसके बाद 1000 रुपए की चीनी, 2300 रुपए और 100 रुपए का पानी, 2400 रुपया बन जाएगा। तो 2400 रुपए के अंदर 2400 लीटर आपका जूस तैयार हो जाएगा। इस तरह से 1 लीटर जूस 2400 रुपए का तैयार होके पड़ेगा। ये जो लेबल आप देख रहे हैं, ये वाला लेबल, इस तरह से आप अपने नाम का भी प्रिंट करवा सकते हैं, अगर ये हमारा लेबल लेना चाहें प्रिंटेड। आज की कीमत इसकी 2600 रुपए पर केजी है, तो ये हमारा भी आप प्रिंटेड लेबल ले सकते हैं। तो ये लेबल 5 रुपए का लेबल पड़ेगा, 1 रुपए की लेबर मजदूरी यानी के लेबर की, 1 रुपए की बिजली, 1 रुपए की बिल्टी, 1 रुपए गैस और 1 रुपया लफाफा, यानी के जो इसको पेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीजें डाल के ये 5 रुपए ये लगा दिए। इस तरह से कुल लागत 55 रुपए बन जाएगी। होलसेल रेट इसका 65 रुपए से लेकर 70 रुपए है, रुपए का देंगे, और दुकानदार इसको फरोख्त करेगा 140 रुपए से लेकर 170 रुपए में। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है, हर इलाके का, हर शहर का, हर स्टोर का मुख्तलिफ इसका रेट होता है, कम से कम 140, ज्यादा से ज्यादा 170। अगर डेली अगर 7500 रुपए बचाएं और एक महीना लगातार काम करें आप 30 दिन, यानी कि 7500 ज़रब 30, 2,25,000, तो कम से कम भी कर लें भाई, 2,25,000 ना करें,
आप कम बेच लो, छुट्टी कर लो, जो मर्जी कर लो, फिर भी 1.5 लाख रुपए महीने का बचा सकते हैं, जो कि अच्छी आमदन है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ये फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। ये जो जूस प्लांट डबल जैकेट आपने देखा है, इसकी कीमत ये 100 लीटर का है, इस टाइम 1,90,000 है। अगर आप 60 लीटर वाला जूस प्लांट लेना चाहें तो ये 1,60,000 रुपए का मिल जाएगा आपको। फिलिंग मशीन सिंगल नोजल 35,000 रुपए की। रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें शामिल है, बोतल, लेबल, ढक्कन, पल्प, लफाफा यानी कि जिसे पेट बनाएंगे, हीट गन, टेम्परेचर मीटर और स्केल। जिस तरह से ये टेम्परेचर मीटर है, इसी तरीके से हीट गन और स्केल यानी कि जिसे आपने वजन करना है, ये तमाम चीजें डाल के 45,000 में आपको पड़ जाएंगे। तो अगर आपके पास 2,40,000 रुपए हैं, यानी कि इसको अगर टोटल करें तो 2,40,000 बनेंगे, तो इतने रुपए से आप अपना अच्छा रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी जूस का कारोबार करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कारोबार के हवाले से रहनुमाई लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राबता करके आ सकते हैं। हर इतवार को हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, जहां पे हम ना सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बना के दिखाते हैं बल्कि इसको बेचना सिखाते हैं। मार्केटिंग के बारे में सेमिनार होता है। हमारे ऑफिस लाहौर में, मुल्तान में, रहीम यार खान में हैं। आप रابطہ करके हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।